और आगे बढ़ते हुए बात बर्ड फ्लू के खतरे की। 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा फिलहाल देखते हुए लगातार राज्य सरकारों के जरिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में एक साथ अगर 40 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई है तो ये बर्ड फ्लू के खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। हजारों पक्षियों की मौत, अलग अलग राज्यों से खबरें सामने आ रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि एहतियात रखिए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आहट हो गई है। 4 दिन में 50 कौवों की मौत से दहशत फैल गई है। कौवों की मौत से हड़कंप मच गया है और इसी बीच हरियाणा अलर्ट पर है, दिल्ली अलर्ट पर है, मध्य प्रदेश अलर्ट पर है, केरल अलर्ट पर है और हरियाणा में 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारने का आदेश भी दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर बर्ड फ्लू से ही जुड़ी हुई है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत है। ऐसे में केंद्र ने इसके लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है, फिर भी पक्षियों की मौत से लगातार फिक्र बढ़ गई है। बिल्कुल, और कोरोना महामारी अभी देश से गई भी नहीं थी कि उससे पहले बर्ड फ्लू ने भी दहशत फैला दी। बर्ड फ्लू की वजह से देश में भारी तादाद में परिंदों की मौत हो रही है और बर्ड फ्लू की दहशत को देखते हुए पोल्ट्री फार्म का बिजनेस भी ठप होता जा रहा है। नॉनवेज का बिजनेस करने वाले लोगों को भी घाटा हो रहा है। इस खबर पर निगाहें रहेंगी, आगे जो भी अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे, लेकिन प्लीज आप एहतियात रखिएगा, सावधानी रखिएगा, सावधानी में ही सुरक्षा है। इसी के साथ आज का रिपोर्टर में अभी के लिए बस।